ये हम लोग का खाना लग चुका है। खाने में है चावल, कद्दू वाली दाल। तो अभी मम्मी लोग जाएगी गंगा जी और डुबकी मारो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा और आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है मेरे घर में पूजा, जिसको बोलते हैं बैसाख का पूजा। जैसा छठ पूजा में होता है ना, नहाए खाए, मतलब जो लोग बिहार से होंगे जिनके घर में छठ वगैरह होता है उनको पता होगा कि छठ पूजा में पहले नहाए खाए होता है, फिर अर्घ दिया जाता है। तो इसी तरीके से आज है बैसाख का इतवार, उसको बोलते हैं। तो आज है शनिवार, तो आज है नहाए खाए और कल होगा गंगा जी में जाके मम्मी लोग अर्घ देगी। तो हम नहा लिए हैं और मेरे नहाते नहाते मम्मी सब चीज़ काट कूट दी है। मम्मी और मेरे लाइफ क्या, हमको क्या करना है? और सारा मसाला भी एकदम न्यू वाला है ना, मतलब कोई भी लहसुन प्याज का नहीं है इसमें, लहसुन प्याज का बहुत ज़्यादा बढ़ावा है। ये कद्दू के सब्जी के लिए हम पतला पतला कद्दू काट दिए हैं और इसी कद्दू से दाल भी बनता है, तो आज बहुत सारा कुछ बनता है। और मम्मी सारा बर्तन बड़ा बड़ा वाला निकाली है, देखिए हम लोग के यहाँ कितना बड़ा बड़ा कड़ाही रखता है, क्योंकि हम लोग बड़ा परिवार है, हम लोग का फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है और ये बहुत अच्छा बात है, रहना भी चाहिए। बहुत हर मतलब हर एक चीज़ का किसी दूसरे का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हम लोग घर में इंजॉय कर लेते हैं। और आज सबके लिए खाना बन रहा है, तो मम्मी सब बर्तन वगैरह बड़ा बड़ा निकालिए। यहाँ पे देखिए कद्दू का पकौड़ी बनेगा, उसके लिए भी मम्मी। सारा खाना बन गया है, ये हो गया चावल, इसमें है कद्दू की सब्जी, कद्दू का दाल, ये है क्या है मम्मी, धनिया और आम की चटनी, ये है पकौड़ी का पेस्ट, और ये है आलू गोभी की सब्जी, और ये सब हरा मिर्च और सेंधा नमक पे बनाया हुआ है। इधर मम्मी अपना खाना निकाल रही है, क्योंकि मम्मी जब तक नहीं खाएगी हम लोग नहीं खा सकते। हम चुलबुल छोटू सबका खाना निकाल रहे हैं और आज हम लोग को पत्तल में बहुत मन कर रहा था खाने का, और बहुत अच्छा भी लगता है, प्रसाद पत्तल में ही खाया जाता है और इसका तो टेस्ट पत्तल की वजह से दुगना बढ़ जाता है। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद है पत्तल में। तो अभी मम्मी सबको टीका लगा रही है और ये छोटू का बदमाशी है, ये ऐसे ही करते रहता है। तो ये हम लोग का खाना लग चुका है। खाने में है चावल, कद्दू वाली दाल, कद्दू की पकौड़ी, कद्दू की सब्जी, फिर ये हो गया है आलू और गोभी की सब्जी, और ये है हरा धनिया चटनी। तो कल था नहाए खाए, जैसा कि आप लोग देखें, तो मैं उसके बाद संडे का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहा है 4। तो अभी मम्मी लोग जाएगी गंगा जी और मैं भी जाऊँगी, 4:30। अच्छा ओके, 4:30 बज रहा है, तो उसके बाद हम लोग सबको जा रहे हैं गंगा जी और हम और खुशी भी जा रहे हैं। तो आज गंगा जी में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि आज बैसाख का इतवार है और सब लोग अभी से ही जा रहे हैं और मम्मी लोग आ रही है पीछे पीछे और हम खुशी आगे आगे। हम लोग नहा लिया, आंटी नहीं नहाई थी क्योंकि आंटी घर से नहा कर आई थी और मेरा सतुआने के दिन से बड़ा मन था कि हम नहाए, इसलिए आज
नहा लिया है और मम्मी लोग पूजा का तैयारी कर रही है। अब हम लोग खुशी और हम नहा लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर और अभी बाकी पूजा घर पे होगा और ये मम्मी लोग भी नहा लिए। गंगा जी से हम लोग आ गए हैं, अब होगा छत पे पूजा। तो मम्मी लोग सुबह से ही भूखे हैं, अभी गंगा जी से नहाकर गंगा में पूजा कर अभी घर पे पूजा करेगी। तो बैसाखी इतवार की पूजा अच्छे से हो गई है और बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत ज़्यादा फीवर टाइप्स लग रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।